लाहौर में फिरने से पहले आपने लाहौर का ज़बरदस्त नाश्ता करना होता है और कैफरी के हलवा पूरियाँ। नो बेटर वे टू स्टार्ट योर डे। हाय, नाश्ता कर लिया, थोड़ी सी जान आई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मंगीज और उमर के साथ आपका स्वागत है। लाहौर देखने का टाइम आ गया। मंगी रेडी है? हाँ। धूप से कैसे बचना है? डबल डेकर बस में हम जा रहे हैं, 200 रुपये की टिकट मिलती है। ये पंजाब स्टेडियम से रवाना होती है, टेक्स यू अराउंड लाहौर पूरा ट्रिप 200 रुपये में। 200 रुपये में और पूरा ट्रिप मार के वापस आती है, इधर इस पॉइंट पे आपको उतारती है। हम खुद पहली बार जा रहे हैं लाहौर को टूरिज्म की नज़र से देख रहे हैं, टूरिस्ट की नज़र से देख रहे हैं। प्लेस यहाँ बादशाहें के नाम सुभाने ए वक्त यकिया वक्त हुदा जाने बादशाहें के नाम सुभाने कहर अगर पीता जोर जोर माने मेरा मां बीता रहीम रहमानी। बादशाही मस्जिद मुगल एम्परर औरंगज़ेब ने बनवाया था और यहाँ पे 55,000 लोग एक टाइम पे नमाज पढ़ सकते हैं। मैं 2002 में लाहौर शिफ्ट हुआ था, इससे पहले मैं पेशावर में था। पेशावर में सैन फ्रांसिस में पढ़ता था मैं। उसके बाद जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो बिकना उसके नाम साइड कैंपस में मैं मैट्रिक किया वहाँ से। तो जिनको नहीं पता, मैं पठान हूँ, आई एम फ्रॉम द ट्राइबल एरिया ओमाल पुख्तो राजी और जबा अख्तर के द पेशावर बारा के ब्लॉग जोड़ूँ। फॉर नाउ लाहौर बारा के, लाहौर के बारे में ब्लॉग बना रहा हूँ। लेट्स सी आई डू गुड जॉब। और ऑल्सो मैं आप सबके कॉमेंट से पढ़ रहा होता हूँ और आप लोग मुझे बता रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें। मेरी आदत है, मैं ऐसे बहुत तेज़ बोल रहा होता हूँ क्योंकि मैं कैमरे के सामने नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँ कि आहिस्ता बोलूँ। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में नहीं उर्दू में बात किया करें, ये भी मैं कर लिया करूँगा, लेकिन मैं इसलिए इंग्लिश में ज़्यादातर बोलता हूँ ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल पर यूट्यूब पर पाकिस्तान को दिखा सकूँ और इंटरनेशनली ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। बट मैं इंग्लिश बोलूँगा, इंग्लिश में इंग्लिश मिक्स। सो कीप ऑन कॉमेंटिंग, मुझे नीचे से फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही थी। और तीसरी बात, आप कह रहे होते हैं कि माइक प्लीज़ ठीक करवा दें। यार मैं बहुत छोटा कैमरा इस्तेमाल करता हूँ, उसकी वजह से जो है ना मैं हर जगह कवर कर लेता हूँ। इफ़ आई स्टार्ट यूजिंग द बिगर कैमराज और माइक लगा दूँ तो फिर मैं बहुत, मेरी साइड लिमिट हो जाती है, परमिशन की इशूज़ होते हैं और हर जगह आप घुस नहीं देते। सो इसलिए फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस, बट आई ट्राई टू स्पीक लाउडर और इस माइक के साथ जितना हो सकता है। ए वक्त यकिया वक्त हुदा जाने बादशाहें के नाम सुभाने अल्लाह अल्लाह जत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई। सो लाहौर का जो नाम पड़ा है ना, वो उर्दू में लहू के नाम से और इंग्लिश में लावा के नाम से, जो कि मिथोलॉजिकल गॉड था रामा, उसके बेटे का नाम था। ये लिखा है ना? हाँ, यही लिखा है, विकिपीडिया में तो ये लिखा, विकिपीडिया में ये लिखा है। दिल मेरा मैनू बेदी कब्र ना काई। सर, अकबर बादशाह की कोर्ट है जहाँ पर अकबर बादशाह उनके कुल लोगों के साथ कोर्ट लगाता था। 1556 का जरोका बना हुआ है और ये इसकी इस साइड पे अपनी गेट है जहाँ से ये फरियादी लोगों के लिए गेट होता था, जहाँ से फरियादी लोग अदालत में आते थे। और इसके पीछे जो शहर है, ओल्ड सिटी, पुराना शहर जो 12 दरवाज़ों का अंदर होता था। मुनव्वर साहब हमें अब टूर देंगे प्रॉपर और अब हम जा रहे हैं। ये सर जहांगीर का महल है, जो जहांगीर का महल, जहांगीर का महल, स्लीपिंग चैम्बर ऑफ जहांगीर। और ये दरमियान में तो आइटों के लिए स्टेज होती थी यहाँ पर,
और ये दोनों तरफ से मेहमान खाने खासवाम के लिए रहने के लिए खासवाम के लिए यहाँ पर डाइनिंग रूम के तौर पर, और ये दरमियान में छोटी सी बिल्डिंग है जो यहाँ पर ये पगड़ियों के निशान है, ये सिखों के दौर की याद दिलाती है रणजीत सिंह के दौर। ये सर सामने खड़क सिंह का महल है जिसकी हकाबत कभी पड़ी सुनी होगी आप लोगों ने। खड़क सिंह के खड़कते से खड़कते हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके सर, जो इस तरफ से ये पांच कमरों का मुश्तमिल बेडरूम है जिसमें शाहजहां यहाँ पर ये उनका एक स्लीपिंग चैम्बर था, और उसके बाद सर इस तरफ जो है ये पार्लियामेंट हाउस है जिसमें ख़ास लोगों की यहाँ पर मीटिंग की जाती थी। ये सर शीश महल है जिसकी हिस्ट्री है कि जिसके जो मलका मुमताज़ ने फरमाइश की थी शाहजहां से कि मेरे लिए चाँद और सितारे, चाँद और सितारों के लिए सर ये जो ज़मीन है इसके ऊपर संगे बादल लगा दिया गया, दरमियान में गोल सा हौज नुमा चाँद बना दिया गया, इधर से आबशर बना दी पानी आने के लिए, इसके ऊपर वाटर टैंक बना दिया गया जिसके अंदर पानी को भर के हल्के गुलाब रंग को महफूज कर दिया गया, जब रात की तारीखी रहती है तो पानी को छोड़ा गया, नीचे से बादल ऊपर साफ पानी, और ऊपर से जब चौदहवीं रात का चाँद गुजरा पानी को जब अक्स पड़ा तो नीचे से चाँद नजर आया, सामने बिल्डिंग के अंदर शीशा लगा दिया गया, मेरे प्रेस जब लाइट रिफ्लेक्ट की लाइट के साथ तो शीशों का रक्ष पड़ा तो सितारे बन गए, मलका को ऐसा लगा जैसे वाकई शाहजहां ने मेरे लिए आसमान से चांद और सितारे जमीन पर उतार दिए। हर खिजा की शाख पे फूल सा खेला है तू, मिल नहीं रहा है तू। यहां से सर ये 58 स्टेप्स हैं जो नीचे से बादशाह की सवारी उतर आती थी महल करने जाने के लिए, तो अब आपका यहाँ पर विजिट सर ख़त्म हुआ और आप प्यारे बच्चों की तरह आप अपने घर को सर यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू, चलो मंगी भाई चलो। चलो एक और जो बहुत हिस्टोरिक जगह है लाहौर में वो है जहांगीर का मकबरा, दैट इज़ द टूम ऑफ जहांगीर। ही वॉज अ मुगल एम्परर एंड वो कश्मीर से वापसी पे लाहौर की तरफ जब आ रहे थे देन ही डाइड एंड हिज सन शाहजहां बिल्ड दिस टूम फॉर हिम। मंगी यही लिखा ना? हाँ लिखा तो यही है। हाँ यही है। और शर्ट कब जिनकी एक ब्लॉग और दूसरे ब्लॉग के बीच में बहुत टाइम लगता है, मतलब हम ये दिखाना था चाहिए था वैसे हमें कि एक दिन में हम करें लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। सो जब एक ब्लॉग और दूसरा ब्लॉग आ रहा होता है उसके बीच में हम इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं, कहाँ शूट कर रहे हैं, कहाँ टाइम लैप्स रहे हैं वगैरह। सो यूट्यूब वाले सारे जितने भी लोग हैं यूखान आर्मी फैमिली, दे कैन गो एंड फॉलो अस ऑन यूखानो, और अयाज मंगी का हैंडल मैं नीचे डाल दूंगा। तो जब हम एक ब्लॉग और दूसरे ब्लॉग के बीच में गैप आ रहा होगा ना यूट्यूब पे, यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन स्टे अपडेटेड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो गो अहेड एंड फॉलो अस एंड एंजॉय द व्यू। लाहौर जो है ना लाहौर इज द सिटी ऑफ गार्डन नॉट लाइट्स। ओके पिछली वीडियो में गलत बोल दिया था, ये सिटी ऑफ गार्डन है और हम यहाँ पे आप फ्रीज भी खेलेंगे। मंगी अच्छा लाहौर में रह के भी जो है ना हम लोग यहाँ से 3 या 4 बार आए होंगे जिना गार्डन्स बाग जिना, सिर्फ 3-4 बार आए हुए हैं लेकिन ये जगह इतनी प्यारी है ना, मतलब और इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे, क्रिकेट है, फुटबॉल के लिए कोर्ट्स हैं, वो है टेनिस है, लाइब्रेरी है। लाहौर में फिरने के 2 तरीके हैं, एक ये और दूसरा ये कि आप मेट्रो का कार्ड बनवाएं यहाँ से 120 रुपीज़ में, वो आप पूरा लाहौर जो है ना 50 रुपीज़ पर स्टॉप दिखा देते हैं। हम सब बस का इंतजार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बस आ गई है पीछे, तो
मेट्रो में पार्टी गेट हम उतरेंगे पहले, वहाँ से देखते हैं कि हम अंबूजा पहले जाते हैं, दिल्ली गेट जाते हैं या फिर टूर बस पकड़ते हैं। अच्छी टूर बस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। हाँ टूर बस मिल जाए क्या एक बात। शहर के 12 दरवाजे हैं, इसे 12 दरी कहते हैं। हम बाटी गेट सेंटर हुए हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या मिलता है। बाटी गेट सेंटर के साथ यहाँ पे फकीर खाना म्यूजियम है and this is Rohan Fakir, ठीक है ना, नाम सही किया है, and he's taking care of the Fakir Khana Museum and he lives in it. कहाँ अगर बीता जोर जोर माने मेरा वहाँ बीता रही मुरहमाने ए बको यकी आवत खुदा जवाने बादशाह के नाम सुभाने अल्लाह जत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई यूजली आपको जो है ना परमिशन चाहिए होते हैं यहाँ पे काम मतलब टाइम लैप्स देने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, बट सिंस हम लोग यहीं के हैं तो इजाज़त मिल जाती थी लोगों से। दिस इज़ दिल्ली गेट, हम उस वक्त चलते हैं और सागर टाइम लैप्स लगा हुआ है, सब इंतज़ार पे अपने फ़ोन में बैठे हुए हैं, कोई अपने लिए डीपियाँ ले रहा है एंड वी जस्ट वेटिंग के टाइम लैप्स कंप्लीट हुआ है इसके बाद फिर जाते हैं कि कौन सी जगह। सब भूख वैसे बहुत लगी है यार, खाने का सीन है इसके बाद। दिल्ली गेट वन ऑफ द 12 गेट्स, हम यहाँ पे इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप ईद के कपड़े खरीद सकते हैं, डिफरेंट सैंडल्स वगैरह, छवरी चप्पल, खाने की चीज़ें, शॉल चेक करें। बेस्ट यही है कि आप यहाँ पे थोड़ा लेट आए क्योंकि वरना यहाँ पे इस तरह के रश में फंस जाओगे आप और फिर वॉक करना पड़ेगा आपको। मुझसे हमेशा दोस्त पूछते हैं कि यार इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से ठीक होते हैं या तुम्बक कहाँ से मिलते हैं या सारी जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। ये रोड है टक्साली, टक्साली कहते हैं, यहाँ पे हर तरह का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, यहाँ पे रिपेयर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर। सर यहाँ के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं और कब से ये वजूद में है? सर यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, कोई एक चीज़ हो तो आपको बताएं, लेकिन ये हमारा जो काम है ये समझ लो कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही मार्केट है और इसके अलावा कहीं पे मार्केट बनाने वाली नहीं, सेल करने वाली। और यहाँ पे ये जो काम है ना तकरीबन कम से कम भी 40-50 साल से। आपने करीम गो का सुना होगा, करीम प्लस का सुना होगा, लेकिन ये है करीम गो गो प्लस बिजनेस। करीम कैप्टन, आपका नाम? मेरा नाम राशिद। करीम कैप्टन राशिद के साथ आपका होस्ट मोहन खान।